हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं काफ़ी अरसे से मैं वॉइस ओवर वाले वीडियोस क्रिएट कर रहा था, बट मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि अब आपका टाइम आ गया है, आपको वीडियो में भी आना चाहिए। तो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और मैं कल ही दिल्ली से अपने गांव अमशारी आया और आते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे एक 10वीं क्लास की छात्रा को एक बाघ ने उस पर हमला किया सुबह के टाइम, स्कूल आते टाइम। और ये बेहद ही गंभीर समस्या है हमारे गांव की, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता गया है, बच्चे स्कूल आते हैं और छोटा शिकार समझ के बाघ उन पे अटैक करता है। और यहाँ के प्रशासन ने इसके तहत कुछ कार्रवाई की है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी डिटेल्स दूंगा, वो सारी जानकारी दूंगा जो कुछ दिन पहले यहाँ पे घटित हुई, कहाँ पे उस बाघ ने उस बच्ची पे अटैक किया। मैं वो जगह भी, वो स्पॉट भी आपको पर्टिकुलर दिखा के लाऊंगा। और उसके बाद जो प्रशासन ने, यहाँ के जितनी भी जो फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उन्होंने इसके बाद में जो कार्य उन्होंने किए हैं, वो उसकी मैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दूँगा। तो इस ब्लॉग के अंत तक आप बने रहिए। सो गाइज़, यही वो स्कूल है जिसकी 10वीं क्लास की छात्रा को बाघ ने अपने शिकंजे में कसा था। और उस लड़की के पूरे शरीर में उसके पंजे, दांतों के निशान पाए गए थे और उसको तुरंत ही मेडिकल उपचार के लिए बागेश्वर जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो गाइज़, ये वो रास्ता है जहाँ पे सुबह बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आते हैं। और प्रशासन ने पहला ही जो पिंजरा बिछाया है, इसी रास्ते के बीच में, मध्य में यहाँ पे लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पहला पिंजरा है जो उस बाघ को पकड़ने के लिए लगाया गया है। सुनने में आया है कि वो बाघ अभी भी इसी एरिया में, टेरिटरी में घूम रहा है। और ये जो यहाँ लगाने की सबसे जो मेन वजह यही थी कि स्कूल के सबसे नज़दीकी सबसे पहला पिंजरा हमने इसीलिए लगाया है यहाँ पे, ताकि बाघ अक्सर यहाँ पे देखा गया है, इस स्पॉट पे देखा गया है। मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ जहाँ पे बाघ कब काफ़ी बार स्पॉट किया गया हुआ है। तो ये वो वैली का एरिया है जहाँ से बाघ ऊपर से नीचे आता है और इस पर्टिकुलर रास्ते पे आते हुए बच्चों पे अटैक करता है। सो गाइज़, ये है वो दूसरा पिंजरा जहाँ पे उस बाघिन को, या बाघ को जो भी है वो, उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। ये गांव के बिल्कुल बीचों बीच में है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पशु बांधे जाते हैं। ये ऊपर ये सब, इसको यहाँ की भाषा में ग्वाड़ बोला जाता है, यहाँ पे पशु और जो भी गाय भैंस जो भी हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ तक मुझे लगता है एक ही कारण हो, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखेंगे ये पूरा सारा जंगल है, सारा ये फॉरेस्ट एरिया है नीचे। यहाँ से भी कई बार बाघ स्पॉट किया गया है। आई थिंक इसी वजह से यहाँ पे ये पिंजरा लगाया गया हुआ है। आप देख सकते हैं ये भी खुला भी हुआ है और अंदर इसका जो भी बाघ जो भी खाता है वो रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी दिन में भी स्पॉट करता दिखता है यहाँ पे अक्सर। तो मे भी शायद वो आए और यहाँ पे वो पकड़ा जाए। तो दोस्तों, अब हम उस रास्ते में जा रहे हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्पॉट पे उस बच्ची पे बाघ ने अटैक किया। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो बच्ची पे उसने अटैक तो कर दिया था, बट वो उस बच्ची को मार भी देता, बट लेकिन वहाँ के दो हमारे बहादुर बच्चों ने, उसके क्लासमेट ही थे उस बच्ची के, जिन्होंने उस बाघ को पत्थरों से चिल्ला के उस बाघ को भगा दिया। बट तब तक बहुत थोड़ी सी देर भी हो चुकी थी। उस लड़की के थोड़े घाव भी हो गए, हाथ में, पाँव में। उसे तत्काल मेडिकल सुविधा में भेजा गया, उसको उसका उपचार किया गया उस बच्ची का। और फिलहाल वो बच्ची अब ठीक है, खतरे से बाहर है और अब वो ठीक है। बट वो बाघ अभी भी यहीं घूम रहा है और वो दोबारा किसी बच्चे पे अटैक कर सकता है। इसीलिए आके प्रशासन ने यहाँ पे उसको जगह जगह स्पॉट पे पिंजरे बिछा दिए, ताकि वो जल्द से जल्द पकड़ में आए और थोड़ा लोगों के पेरेंट्स में, बच्चों के पेरेंट्स की जान में जान आए। क्योंकि अक्सर देखा जाता ये है कि ये गांव है, यहाँ पे लोग किसानी करते हैं, वो हर टाइम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। उनके साथ स्कूल टाइम आना जाना, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो मतलब पढ़ाई में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट आना जाना ये सब, क्योंकि उनके अपने भी काफ़ी काम होते हैं। और यहाँ पे लोगों का जो मुख्य जो रोज़गार है वो कृषि ही है। वो कृषि करते हैं, काम करते हैं और यू नो अपनी खेती को अपना बाज़ार में जाके सेल कर देते हैं। ये उनकी मेन जीविका है, तो उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। बच्चे बड़े हैं, 10वीं क्लास के बच्चे खैर अपने आप आ जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे अगर हादसे अगर गाँव में होते रहेंगे तो दिक्कत तो होगी ही होगी। तो चलिए, अब हम उस स्पॉट के बहुत ही नज़दीक आ गए हैं जहाँ पे उस बच्ची पे वो अटैक हुआ था। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अब हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पे उस बाघ ने उस बच्ची पे हमला किया। ये वो रास्ता है जहाँ से बच्चे वो नीचे से अपने गांव से यहाँ ऊपर इसी रास्ते के थ्रू यहाँ से ऐसे ऊपर आते हैं और इसी थ्रू के रास्ते के थ्रू वो यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको वो स्पॉट अब दिखाता हूँ। स्पॉट बहुत नज़दीक आ गया है जहाँ पे उस बच्ची पे वो अटैक हुआ था। वो बच्ची अपने साथ 3-4 लड़के और उसके साथ वो लड़की इकलौती साथ में चल रही थी, उनके साथ में 3 लड़के भी थे और वो 10वीं कक्षा के थे और स्कूल तो मैंने आपका उनका दिखाया ही था। और यहाँ पे पर्टिकुलर स्पॉट पे आके उस बाघ ने उस बच्ची पे अटैक किया, इस स्पॉट पे। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं यहाँ पे, इस स्पॉट पे पर्टिकुलर स्पॉट पे उस बच्ची पे उसने अटैक किया। यहाँ से वो बाघ आया था, यहाँ से उसने उस पर छलांग मारी थी और वो बच्ची आगे चल रही थी और उसके जो सहकर्मी थी, जो सहपाठी थे, वो पीछे चल रहे थे। तो जैसे ही वो उस बाघ ने उस पर अटैक किया, वो उस पर छीना झपटी कर ही रहा था, इतने में वो 2 लड़के आए, उन्होंने उस पर पत्थर उठाए और इस पर्टिकुलर उस पर फिर यहीं से वो वापस भी भागा। वो आया भी इसी रास्ते से था, यहाँ पर उसने उस पर बच्ची पर अटैक किया और यहीं से कूद के फिर वो वापस भी गया। हमने यही सुना है कि बाघ जो भी होते हैं ये शाम के टाइम में या थोड़ा जब अंधेरा होने वाला होता है ये उस टाइम पे अटैक करते हैं। बट ये जो हादसा हुआ है सुबह 7 बजे का हुआ है, जिस टाइम बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। अब आप ये देखिए कि पहले तो रातों को ये सब होता था, अब ये दिन दहाड़े मतलब दिन में ये सब चीज़ें हो रही हैं, गतिविधियाँ इन सब चीज़ें बाघों की बढ़ रही हैं। तो इस पर आप रोकथाम कैसे लगाए? तो इस पर प्रशासन ने हेतु बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने जगह जगह जहाँ जहाँ वो बाघ दिखाया जा रहा है वहाँ पे उन्होंने कैमरे भी लगा रखे हैं गाँव में। यस, यहाँ पे ऑनलाइन कैमरा लगाया गया और उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, उन पर नज़र लगाई जा रही है। जगह जगह पिंजरे भी हैं, मैंने आपको दिखाया भी था हमारे ब्लॉग में कि जगह जगह पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ जहाँ वो देखे गए हैं वहाँ पे उन्होंने पिंजरे भी लगाए हैं। तो अब बस यही है कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए, क्योंकि वो बाघ अक्सर पिछले कई अरसों से और कई दिनों से उसने कई लोगों पे अटैक किया। सुनने में आया था कि कुछ टाइम पहले उसने बगल में एक खेत में एक लेडीज़ अपने धान की कटाई कर रही थी तो उस पर भी अटैक किया था। तो इस बाघ की जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और अभी तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं और वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। तो हम सबकी आप सबसे ये इस ब्लॉग के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है कि अपने बच्चों को आप स्कूल जो है खुद स्वयं छोड़ने जाएं, उनको अकेले नहीं जाने दें जब तक कि वो बाघ यहाँ से नहीं पकड़ा जाता। और ये बात हमारे गांव की नहीं है, ये हर जगह ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड में अक्सर बाघों के अटैक हुए जा रहे हैं, अक्सर वो होता है और जहाँ लापरवाही होती है वहाँ ही ऐसा होता है। तो हमारी इस ब्लॉग के माध्यम से यही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को अकेले स्कूल ना छोड़ें, खुद छोड़ के जाएं और लेने भी जाएं। सो गाइज, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे आने वाले व्लॉग्स में मैं कई तरह के व्लॉग्स बनाऊंगा, जैसे ट्रैवल व्लॉग बनाऊंगा, फूड व्लॉग बनाऊंगा, गेम्स चैलेंज व्लॉग बनाऊंगा और कई तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मैं इस चैनल के थ्रू बनाऊँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए इस चैनल को और अपना जितना प्यार आप दे सके इस चैनल को दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतन जोशी व्लॉग्स। थैंक यू।